नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। संपूर्ण भूगोल में ये पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 6 में भी कुछ नदियों के ऊपर महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर बात की थी। इसमें भी कुछ पॉइंट्स जो बचे हैं नदियों से संबंधित, उन पे बात करेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण नगर जो नदियों के किनारे बसे हैं उन पे बात करेंगे, प्रपात व झीलों पर बात करेंगे, और जलवायु का टॉपिक भी थोड़ा सा यहाँ पे उसकी शुरुआत देखेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको यदि ये नोट्स पढ़ने हैं तो फ्री में उपलब्ध है हमारी वेबसाइट पर www.studyforcivilservices.com पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, शोक नदी को काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु नदी के नाम से जाना जाता है। हर एक पॉइंट पे एकदम ध्यान देते हुए चलना है कि मृत्यु नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो वो नदी है दोस्तों शोक। कौन से क्षेत्र में है ये? काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु नदी के नाम से इसे जाना जाता है। ऐसे साक्ष्य या प्रमाण हैं कि प्राचीन काल में मध्य एशिया के यारकंड से लद्दाख के बीच व्यापार इसी नदी से होता था। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि प्राचीन काल में जो मध्य एशिया का यारकंड से लद्दाख के बीच का जो क्षेत्र है उसके आपस में जो व्यापार होता था वो शोक नदी के माध्यम से ही होता था, और काराकोरम क्षेत्र में इसे मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, जास्कर नदी जास्कर श्रेणी में गहरे गार्ज का निर्माण करते हुए कठोर चट्टानी भागों से होकर बहती है। यह पहले उत्तर फिर पूर्व की ओर बहते हुए, पहले तो ये उत्तर और फिर पूर्व की ओर बहते हुए अंततः नेमू में सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है। जास्कर नदी की बात की जा रही है। जास्कर श्रेणी में गहरे गार्ज का निर्माण करती है, कठोर चट्टानों के बीच से बहती हुई, पहले ये उत्तर दिशा में, फिर ये पूर्व दिशा की ओर बहती हुई, और लास्ट में नेमू में सिंधु नदी के अंदर ये मिल जाती है। इसकी उत्पत्ति, जास्कर नदी की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सीमा पर सरचू के उच्च हिमालय प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर की सीमा पर सरचू के उच्च अक्षांशीय पठार से होती है। जास्कर नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 150 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, स्पीति नदी 16,000 फीट ऊंचे कुंजुम दर्रे से ये निकलती है। इसका उद्गम जो हुआ वो एक दर्रे से हुआ जिसका नाम है कुंजुम, जिसकी ऊंचाई है 16,000 फीट। 60 मील दूरी पर बहने के बाद यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में नामगिया गांव के पास सतलज नदी के अंदर मिल जाती है। तो स्पीति नदी कौन सी नदी के अंदर मिल गई? सतलज नदी के अंदर मिल गई, और इसका जो उद्गम स्थल है वो कुंजुम दर्रा है जो कि 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस दर्रे से निकलने के बाद 60 मील बहने के बाद ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में नामगिया गांव के पास सतलज नदी के अंदर मिल जाती है। नेक्स्ट देखिए, काली नदी पश्चिमी घाटी पर्वत या पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले या कर्नाटक के डिग्गी गांव से तो ये निकली, फिर चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? काली नदी। और इस नदी की कुल लंबाई भी 184 किलोमीटर है। संकोच नदी उत्तरी भूटान से तो निकली, ठीक है, असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो संकोच नदी किस नदी में मिली आकर? ब्रह्मपुत्र में। असम बांग्लादेश सीमा के पास में ये नदी ब्रह्मपुत्र के अंदर विलीन हो जाती है, और यह भूटान से निकलकर असम और पश्चिम बंगाल के बीच की भी सीमा बनाती है। तो बहुत सारे पॉइंट इसमें निकलते हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो उनको हमें ध्यान से देखते हुए चलना है। माही नदी मध्य प्रदेश से उद्गमित हुई, ठीक है, और खांडू के निकट राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में इसने प्रवेश किया। एमपी से निकली, राजस्थान के अंदर एंटर हुई, और यह नदी नरबाली तक बहने के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए, एमपी से ये नदी निकली, राजस्थान में इसने प्रवेश किया,
नरबाली तक बही, फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में गुजरात की ओर भी बही और और खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिर गई। मीठी नदी जो है ये मुंबई स्थित विहार झील के अधिप्रवाह क्षेत्र से निकलती है, मीठी नदी, ठीक है। ये छोटी छोटी नदियां हैं। बड़ी नदी स्रोतों की हम शुरुआत में पार्ट नंबर 6 में बात कर चुके। तो 2 किलोमीटर के बहने के बाद इसमें पोवाई झील का पानी भी अधिप्रवाह के चलते मिल जाता है। मीठी नदी जो है विहार झील के अधिप्रवाह से तो निकली, इसके बाद में जब ये 2 किलोमीटर का रास्ता इस मीठी नदी ने तय किया तो पोवाई झील का पानी भी इसके अंदर मिल जाता है और यह कुल 18 किलोमीटर की दूरी तय करके माहिम खाड़ी के पास अरब सागर के अंदर मिल जाती है, ठीक है। तो मीठी नदी भी किस में मिलती है? अरब सागर में। तेल नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, ये हमने कल वाले वीडियो में भी पढ़ा था। कपिली या कोपिली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कामरूप नगर इसी नदी पर अवस्थित है। कुछ भी ना छूटे इस हिसाब से ये नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं, जो कि वेबसाइट पर आपके लिए पढ़ने के लिए फ्री में उपलब्ध हैं। दूधगंगा नामक नदियाँ जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती हैं। जम्मू कश्मीर में तो प्रवाहित होती हैं, साथ में उत्तराखंड और महाराष्ट्र के अंदर भी ये प्रवाहित होती हैं। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं कोयना, यरला, डीना, वरना, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा। इनमें से कुछ सामान्य से नाम है जो हम लगभग सुनते रहते हैं, जिसमें है घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, ठीक है। तो ये कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हो गई, जिनमें कोयना, यरला, डीना, वरना, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, ठीक है। और तेल नदी के बारे में हम आपको बता चुके हैं, ये महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदियों को भी हमें ध्यान में रखना है। हगरी नदी जो है ये पश्चिमी घाट से तो निकली, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होकर तुंगभद्रा नदी के अंदर मिल जाती है। सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक के पास से हुई है। और व्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। तो निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में से नहीं बहती है, इनका तो ध्यान रखना ही है आपको। ये प्रमुख नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश से बहती हैं, व्यास, चेनाब, रावी, सतलज, यमुना, ठीक है। दोआब नदियां देखिए, बिस्ट दोआब कौन सी हैं? व्यास और सतलज के मध्य। बारी दोआब रावी और व्यास के मध्य के स्थान है ये, ठीक है, दो नदियों के बीच का है ना। रचना दोआब रावी और चिनाब के बीच। चाज दोआब चिनाब और झेलम के मध्य, ठीक है। तो ये दोआब मतलब दो नदियों के बीच का स्थान हो गया। जैसे पंजाब है तो 5 नदियों से मिलकर बना है ना वो पंजाब, तो ऐसे ही ये जो दोआब है मुख्य, जिनमें बिस्ट है, बारी है, रचना है, चाज है, तो इन नदियों के मध्य ये दोआब स्थित है। दोआब क्षेत्र होता है दरअसल में। व्यास और सतलज के मध्य बिस्ट दोआब, रावी और व्यास के बीच में बारी दोआब, रावी और चिनाब के बीच में रचना दोआब, और चाज दोआब है जो चिनाब और झेलम नदी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, एक नहर है एडन नहर। वर्ष 1938 में दामोदर नदी से इसे निकाला गया था। तो एडन नहर कहाँ से निकाली गई? दामोदर नदी से। कब? 1938 में। यह 65 किलोमीटर लंबी है, इसकी नहर की लंबाई 65 किलोमीटर है और लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि को ये सींचती है। दामोदर नदी का उद्गम हुआ छोटा नागपुर पठार से, ये हम देख चुके पहले भी। रांची से 80 किलोमीटर दूर रामगढ़ चित्रापुर रोड पर स्थित राजप्पा एक शक्ति पीठ है। राजप्पा दामोदर और भैरवी या भेरा नदियों के संगम पर अवस्थित है। यहाँ स्थित चिन्नमस्तिका मंदिर एक प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध और हिंदू तीर्थ स्थल का एक प्रमुख स्थान है, ठीक है। तो देखिए चिन्नमस्तिका मंदिर है यहाँ पर और ये हिंदू तीर्थ स्थल का एक प्रमुख स्थान है। यह मंदिर पुराना है, इसका जो वास्तुशिल्प डिजाइन वो तांत्रिक महत्व के अन्य मंदिरों के समान है। नेक्स्ट देखिए, निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी के निर्माण का संबंध भी किससे है? दामोदर घाटी से ही है।
खारी नदी चंबल की सहायक नदी है, चंबल नदी है उसकी सहायक नदी है खारी नदी। चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो यहाँ पे देखिए एक सहायक नदियों का एक क्रम दिया गया है बहुत ही सरल भाषा में। जैसे खारी नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल की। फिर चंबल नदी यमुना की और यमुना नदी गंगा की और लास्ट में जाके ये सब किस में गिर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में। संथाल परगना में दुमका के हिजला नामक स्थान पर जनजातीय मेला लगता है और हिजला मयूराक्षी नदी के तट पर अवस्थित है। केन बेतवा लिंक परियोजना पर मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री प्रिय रंजन दास मुंशी के मध्य 20 अगस्त 2005 में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए केन बेतवा लिंक परियोजना के ऊपर। तो देखिए एक प्रश्न तो ये बन सकता है कि केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्यों के बीच में हस्ताक्षरित हुई थी, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। कब, तो 25 अगस्त 2005 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए। महात्मा गांधी सेतु बिहार में पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 5575 ठीक है ये मीटर हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर और 575 मीटर ऐसे हम पढ़ सकते हैं इसको, लंबा निर्मित पुल है। मतलब कुल मिला के लगभग 5.5 किलोमीटर लंबा ये नदी पुल है। इसे औपचारिक रूप से मार्च 1982 में खोला गया था। नेक्स्ट देखिए मुख्य नदियां और उनकी सहायक नदियों के बारे में। तो देखिए एक तरफ लिखी हुई है मुख्य नदियां, दूसरी तरफ लिखी हुई है सहायक नदियां। जैसे अभी हमने ऊपर एक लाइन में देखा था तो गंगा मुख्य नदी है, इसकी सहायक नदी है सोन। इसको हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि मंजरा जो नदी है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है, गोदावरी की। भीमा किसकी है हमने पढ़ा था अभी, कृष्णा की सहायक नदी है। केन जो है किसकी सहायक नदी है, यमुना की। तिस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और किशनगंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। तो ये तो हो गई मुख्य नदियां और ये इनकी हो गई मुख्य सहायक नदियां। इसी प्रकार से उद्गम क्षेत्र नदी, जैसे ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी, वेरीनाग झरने से निकलती है झेलम, महाबलेश्वर से निकली कृष्णा, छोटा नागपुर पठार से निकली सुवर्ण रेखा। तो ये कुछ उद्गम क्षेत्र और नदी हो गया, ठीक है, उद्गम क्षेत्र और नदी। नेक्स्ट देखिए मिलान प्रश्नों में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे आपको नोट्स में दिए गए हैं, आप इनका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए, दोस्तों के साथ इन्हें शेयर भी कीजिए। नदियों के किनारे स्थित नगर, तो भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियाँ यहाँ आदिकाल से ही मानव के जीविकोपार्जन का साधन रही है। भारत में नदियों के किनारे अनेक नगर बसे हुए हैं। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है जो उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिले में गोमुख नामक स्थान से निकलती है। उत्तराकाशी उत्तराखंड में भागीरथी के किनारे स्थित नगर है। देखिए अब उत्तरकाशी एक नगर भी है जो भागीरथी के किनारे स्थित है, यहीं से शुरुआत हो गई नदी किनारे बसे हुए नगरों की। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है, तो देवप्रयाग भी। गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगरों में देखिए मुख्यतः हरिद्वार जो उत्तराखंड में है, फतेहपुर कानपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, भागलपुर पटना बिहार में है। तो ये देखिए ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगरों के नाम हैं जो कि बहुत मोस्ट हैं और काफ़ी बार परीक्षाओं में इनसे संबंधित या तो कूट चयन दे देंगे या फिर मिलान प्रश्न दे देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें हर तरीके से इनको ध्यान में रखना है। तो गंगा नदी के किनारे जो प्रमुख नगर हैं, हरिद्वार हो गया, फतेहपुर कानपुर वाराणसी हो गया, भागलपुर और पटना हो गया। इलाहाबाद नगर गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है, ठीक है। इलाहाबाद जो है ये गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। प्रयागराज जो नाम कर दिया गया है, जिसे आप अब प्रयागराज के नाम से भी जान सकते हैं, तो ये गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यमुना नदी के किनारे पर स्थित प्रमुख नगर हैं जो नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा आदि। तो यमुना नदी के किनारे जो स्थित हैं,
देखिए गंगा यमुना के संगम पर तो हो गया प्रयागराज या इलाहाबाद, वहीं यमुना नदी के किनारे पर बात करें तो नई दिल्ली इसके किनारे बसी हुई है, आगरा का ताजमहल देखा जा सकता है, आगरा इसके किनारे बसा हुआ है, मथुरा इटावा आदि नगर इसके किनारे बसे हुए हैं। लुधियाना पंजाब में स्थित है, फिरोजपुर भी पंजाब में, ये दो शहर हैं जो कि सतलज नदी के किनारे पर स्थित हैं, लुधियाना और फिरोजपुर, जहां से वर्तमान समय में सतलज नदी 13 किलोमीटर उत्तर में प्रवाहित हो रही है। हैदराबाद शहर कृष्णा की सहायक नदी मूसी के किनारे स्थित है, तो डायरेक्टली ये याद रखिए आप कि हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है, ये जो मूसी नदी है ये कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नगर विजयवाड़ा स्थित है। नांदेड़, नासिक महाराष्ट्र और राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, ये तीनों जो प्रमुख शहर हैं ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित हैं। तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित भी हमने देखे नांदेड़, नासिक और राजमुंद्री। कश्मीर में श्रीनगर, कश्मीर जम्मू कश्मीर की राजधानी भी हो गई श्रीनगर, ये झेलम नदी के तट पर और ले नगर सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। ले जो नगर है ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है और श्रीनगर जो है ये झेलम नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद जो शहर है ये साबरमती नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में है और साबरमती के तट पर ये अवस्थित है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित एक नगर है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई जो नदियों के किनारे प्रमुख बसे हुए नगर है हम यहाँ पे लगभग सारे महत्वपूर्ण इसमें समेटते हुए आ रहे हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई लखनऊ, ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। ताप्ती नदी का उद्गम जो हुआ वो बैतूल जिले के मध्य प्रदेश के मुलताई नामक स्थान से हुआ, जिला बैतूल है, ठीक है, तो राज्य मध्य प्रदेश है, स्थान मुलताई है, वहां से निकली ताप्ती नदी और इस नदी के किनारे सूरत गुजरात, गुजरात में जो सूरत है वो ताप्ती नदी के तट पर ही स्थित है। सूरत से कंफ्यूज मत होइएगा, सूरत गुजरात में है, सूरतगढ़ राजस्थान में है। जमशेदपुर झारखंड का एक औद्योगिक नगर है दोस्तों, ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ राज्य का एक नगर है जो इंद्रावती नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। जबलपुर नगर मध्य प्रदेश में जो है ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। उसी प्रकार उज्जैन मध्य प्रदेश का एक प्राचीनतम नगर है जो छिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। इस नगर का प्राचीन नाम था उज्जयिनी जो अवंती गणराज्य की राजधानी थी, इसे महाकालेश्वर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो उज्जैन जो है मध्य प्रदेश का प्राचीनतम नगर, ये कौन सी नदी के किनारे है, छिप्रा नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बरेली नगर रामगंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उत्तराखंड राज्य में गोरीकुंड रामबाड़ा और गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित हैं, जबकि गोविंद घाट अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। अयोध्या नगर उत्तर प्रदेश सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। गोरखपुर नगर उत्तर प्रदेश ये राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, इसे देखना पड़ेगा, ये प्रिंट मिस्टेक तो नहीं है, कहीं ताप्ती तो नहीं है, ठीक है, गोरखपुर नगर उत्तर प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी पर बसे असम राज्य के प्रमुख नगर गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर बसे असम राज्य के प्रमुख नगर गुवाहाटी एवं डिब्रूगढ़ है। राजस्थान राज्य का शैक्षिक नगर कोटा चंबल नदी के तट पर अवस्थित है। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार गंगा नदी के किनारे बसे संकुलनों की जनसंख्या इस प्रकार है, ठीक है, तो देखिए ये कानपुर पटना वाराणसी इलाहाबाद, इनकी यहाँ पे जनसंख्या दे रखी है। नेक्स्ट देखिए, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है, ये हम पहले भी देख चुके। अब नगर जिन नदियों के किनारे स्थित हैं और भी हैं बहुत सारे, उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कटक है ये महानदी के किनारे है, लुधियाना सतलज
नासिक गोदावरी नदी के किनारे, ये लिस्ट के रूप में आपको दे दिया गया है। उज्जैन मध्य प्रदेश में छिप्रा नदी के, अहमदाबाद साबरमती, लखनऊ गोमती नदी, भुवनेश्वर महानदी के किनारे बसे हुए नगर हैं। बैतूल देखिए, यह मध्य प्रदेश का एक जिला है दोस्तों, जो ताप्ती नदी का उद्गम इसी जिले के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का एक नगर है, जो इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक जिला, इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी जबलपुर है और यह नर्मदा नदी के कुछ ही दूरी पर स्थित है। उज्जैन की बात करें तो प्राचीनतम नगर हो गया, छिप्रा नदी के किनारे ये स्थित है, ये हम सब कुछ देख चुके। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। और अब हम देखते हैं हमारा एक टॉपिक, प्रपात और झीलें। तो देखिए, जलप्रपात जो शब्द है ये साधारणतया पानी के संकलित रूप से गिरने का बोध होता है। एक ऊंचाई से पानी गिर रहा है, पानी का एक संकलित रूप गिरने का यहाँ पे बोध हो रहा है, पता चल रहा है। जलप्रपातों की उत्पत्ति प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार की होती है। प्रपात कृत्रिम भी बनाए जाते हैं, जहाँ पर जल से बिजली बनाई जाती है बांध बनाकर, वहाँ पर प्रपात का निर्माण किया जाता है, इसलिए कृत्रिम भी होते हैं और प्राकृतिक तो है ही। प्राकृतिक जलप्रपात बहुधा पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, क्योंकि वहाँ भूतल का उतार चढ़ाव अधिक होता है। तो प्राकृतिक जलप्रपात वहीं पर होंगे जहाँ पे भूतल है, उसका उतार चढ़ाव अधिक होगा, वहाँ पर प्राकृतिक जलप्रपात आसानी से बन जाते हैं। भारत के अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड वाटर फॉल्स डाटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है, जो कि कर्नाटक में शरावदी नदी पर स्थित है। प्रश्न बनते जा रहे हैं, बस ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जोग जलप्रपात कहाँ पर है जी, कर्नाटक में कौन सी नदी पर, शरावती नदी पर स्थित है। और भारत में वर्ल्ड वाटर फॉल्स डाटाबेस ये कहता है कि चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा ये जलप्रपात है। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात है। यह जलप्रपात कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। हुंडरू प्रपात रांची से 45 किलोमीटर दूरी पर सुवर्ण रेखा पर है, ठीक है। तो हुंडरू जलप्रपात सुवर्ण रेखा पर है, इसकी ऊंचाई 98 मीटर या कह सकते हैं 322 फीट के आसपास है। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के नवसृजित जिले अनूपपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर है। तो यहाँ पर देखिए, दो ही प्रकार से प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, प्रश्नों की मतलब जो प्रकृति है कि यह प्रपात किस नदी पर है या ये प्रपात कहाँ पर है। इन दो प्रकार से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो दोनों ही यहाँ पे आपको दिए गए हैं नोट्स में अच्छे तरीके से। नेक्स्ट देखिए, चित्रकूट जलप्रपात हम आपको बता चुके हैं इंद्रावती नदी पर है और इसकी ऊंचाई 29 मीटर है। इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। तो भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में जाना गया चित्रकूट जलप्रपात को, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाटी में स्थित है। यह गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है, ठीक है। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर नदी है मांडवी, उसमें यह दूध सागर जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात बहुत बार पूछा जाता है, मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर है और जबलपुर के पास में है, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात। पूर्वोत्तर भारत में लैंड सिंह जलप्रपात एवं नोह कालीकई जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है। नाम थोड़े से अटपटे हैं लेकिन ध्यान में तो रखने पड़ेंगे। कर्नाटक राज्य में स्थित कुंचिकल प्रपात की ऊंचाई कम से कम 400 फीट और अधिक से अधिक 800 फीट बताई गई है। इस माप के आधार पर अब तक भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। पूर्व में विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कुंचिकल को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया था, तब इसकी ऊंचाई 455 मीटर प्रदर्शित थी। इसी प्रकार विश्व जलप्रपात डेटाबेस के नए मापन में बाहरी पानी जलप्रपात की संशोधित ऊंचाई 217 मीटर, बरही पानी जलप्रपात की संशोधित ऊंचाई 217 मीटर, जबकि नोह कालीकई प्रपात 335 मीटर से बढ़कर 340 मीटर है। अतः विश्व जलप्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोह कालीकई मेघालय के अंदर स्थित है, ये निकल गया इसका निष्कर्ष।
अनेक आधिकारिक स्रोतों में भी अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल ही प्रदर्शित है, तो ये विवादित हो गया थोड़ा सा, है ना। जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को क्या कह देते हैं? झील कह देते हैं। बढ़ती आबादी तथा जल के अभाव में झील लोगों के लिए जल का एक महत्वपूर्ण सोर्स है, स्रोत है। भारत में झीलों का विभिन्न जो उद्गम है वो विभिन्न स्थानों से होता है। जैसे हम बात करें कि वेम्बनाद केरल की सबसे बड़ी लैगून झील है, यह 96 किलोमीटर लंबी और 14.48 किलोमीटर चौड़ी है। केरल के कोट्टायम, अलपुझा, एनारकुलम जिलों की सीमाओं को वेम्बनाद लैगून स्पर्श करती है। चिल्का लैगून भारत के ओडिशा राज्य में महानदी के मुहाने स्थित खारे पानी की एक लैगून है। चिल्का जो है ये लैगून है भारत का ओडिशा राज्य में के महानदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर जो चिल्का झील है ना, इंडियन नेवी का यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर भी है। नेक्स्ट देखिए, किसी बड़े जल निकाय का उथला भाग जो किसी संकीर्ण स्थलीय पेटी या अवरोध द्वारा अंशतः या पूर्णतः पृथक होता है वो लैगून कहलाता है। यहाँ पे लैगून की परिभाषा बताई गई है नोट के माध्यम से कि किसी भी बड़े जल निकाय का उथला हुआ भाग जो संकीर्ण स्थलीय पेटी या अवरोध द्वारा अंशतः या पूर्णतः पृथक होता है वो लैगून कहलाता है। स्थलीय भाग में स्थित विस्तृत गर्त जिसमें जल भरा रहता है वो झील कहलाती है। तो ये झील और लैगून के अंदर थोड़ा सा एक डिफरेंस है जो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। ओडिशा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। चिल्का झील की अधिकतम लंबाई 29 किलोमीटर और चौड़ाई 132 किलोमीटर है। वूलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। वूलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे जो नेवी का सेंटर बताया था तो उसके लिए चिल्का झील सही शब्द होगा, है ना, चिल्का झील, क्योंकि हमने यहाँ पे लैगून और झील में फर्क देखा है तो चिल्का झील वहाँ पे सही उपयुक्त है। नेक्स्ट देखिए, डल झील की बात करें तो श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में, और मीठे पानी की झील है। पेरियार झील 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की एक कृत्रिम झील है दोस्तों, यह लैगून नहीं है, और पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। लोकोटक झील मणिपुर राज्य में स्थित ताजे पानी की झील है। इस झील के केबुलम लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी है। इस झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी है, इस झील के पास कह सकते हैं। सांबर झील जयपुर शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत में खारे पानी की दूसरी बड़ी झील पुलिकट है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। कोलेरू झील की बात करें तो आंध्र प्रदेश में ये मीठे पानी की झील है। देखिए, खारा और मीठा यहाँ पे दो प्रकारों की झील हो गई हैं। पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित एक कृत्रिम झील है, मतलब बनाया गया था इसे। इस झील का निर्माण 12वीं सदी में हुआ जब लूणी नदी के नदी शीर्ष पर एक बांध बनाया गया था। नक्की झील भी राजस्थान में ही है, माउंट आबू के अंदर। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील की संज्ञा दी गई है। तो रहस्यमयी झील की संज्ञा किसे दी गई है दोस्तों? रूपकुंड झील को। यह झील भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिम झील है। यह झील यहाँ पर मिलने वाले नर कंकालों के कारण चर्चा का विषय बनी थी। फुलहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई। यह पीलीभीत जिले मध्य प्रदेश के मांदोटाडा के पास स्थित है। अष्टामुडी झील केरल राज्य के कोलम जिले में एक लैगून या कयाल है। अष्टामुडी का अर्थ आठ शाखाएं हैं। रामसर समझौते के तहत यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि के रूप में दर्ज है। असम राज्य में स्थित झीलों में चंदूबी झील, चपनामा झील, हाफजांग झील आदि प्रमुख हैं। चपनामा झील नैगांव कस्बे से 33 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस झील से ही अद्यार नदी का उद्गम होता है। चेन्नई महानगर की जलापूर्ति इसी झील से होती है, ठीक है, चपनामा झील से।
नेक्स्ट देखिए, हैदराबाद शहर में हुसैन सागर और उस्मान सागर कृत्रिम दो झीलें हैं। हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील सिरमौर जिले में और नाको झील किन्नौर जिले में स्थित है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे एक तरफ जलप्रपात है, दूसरी तरफ नदियों के नाम है लिस्ट के रूप में दिए गए हैं। तो मांडवी जो जलप्रपात है ये कर्नाटक और गोवा की सीमा पर है, ठीक है। दूधसागर जो जलप्रपात है ये मांडवी नदी पर है और कर्नाटक और गोवा की सीमा पर जो है मांडवी नदी उस पर है। डुडुमा जलप्रपात मत्स्यकुंड नदी पर है कोरापुट ओडिशा में। गोकाक घाटप्रभा नदी पर, जोग शरावती नदी पर कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। चूलिया जलप्रपात चंबल पर है। तो देखिए ये कुछ नीचे जो चार जो जलप्रपात दे रखे हैं, पांच, इनको ध्यान से देख लीजिएगा, ये तो परीक्षा में आते ही रहते हैं, सामान्य जितनी परीक्षाएं हैं। तो जोग शरावती नदी पर है कर्नाटक में, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, चूलिया चंबल पर है, जोग शरावती नदी पर है, आ गया ये तो, और धुआंधार नर्मदा नदी पर स्थित जल प्रपात है। नेक्स्ट देखिए, लोध जलप्रपात झारखंड के लातेहर जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है। इसे बूढ़ा घाट जलप्रपात भी कहा जाता है। यह झारखंड का प्रमुख जलप्रपात तथा भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 469 फीट है। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट पर स्थित है। यह जबलपुर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। यह प्रपात नर्मदा नदी पर है। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले खारे पानी की झील लैगून झीलें कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पे पेरियार झील जो है ये 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। ये कृत्रिम झील है और पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ प्रदेश है। फिर से एक लिस्ट है हमारे सामने। तो बेमना जो झील है वो केरल में है दोस्तों। लोकटक मणिपुर में है। डल जम्मू कश्मीर में है। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। नेक्स्ट देखिए, लोनार झील महाराष्ट्र में है। नक्की राजस्थान में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में। अष्टामुडी केरल में। रूपकुंड उत्तराखंड में स्थित है। सूरजकुंड झील हरियाणा में है। हमीरसर झील गुजरात में और अंचार झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसी प्रकार हम देखें असम की झीलों में चंदूबी झील, चपनामा झील, हाफलांग झील भी प्रमुख है, ये हम देख चुके। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। यह भारत के उत्तराखंड में एक हिम झील है। बर्फ से ढकी हुई गेपन झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला में स्थित है। केरल स्थित लैगून झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ कई कयाल लैगून पाए जाते हैं, जैसे पुन्नमादा कयाल, अष्टमुदी कयाल, बेमनाद कयाल आदि, ठीक है। तो केरल में जो लैगून झीलें हैं उनको कयाल के नाम से संबोधित किया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसकी शुरुआत कर लेते हैं, जलवायु की। तो देखिए, जलवायु और मौसम दो शब्द हमारे सामने आते हैं जिनको हम प्रयोग करते हैं। सामान्यतः जो हम डेली लाइफ में जो शब्द यूज़ करते हैं वो कहते हैं मौसम का। यदि हम जलवायु का प्रयोग करेंगे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि जलवायु एक बहुत लंबे समय के अंतराल पर उसकी चेंजमेंट होता है, उसमें बदलाव होता है। बल्कि मौसम तो हमारा दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण भी बदल जाता है, ठीक है। तो एक कम समय में होने वाला प्राकृतिक परिवर्तन है मौसम, और एक बहुत लंबी अवधि पर होने वाला परिवर्तन है जलवायु। तो देखिए, मानसून शब्द जो है जलवायु के अंदर, सबसे पहले बात करते हैं मानसून की। तो मानसून शब्द जो है ये अरबी भाषा के मौसम से उत्पन्न हुआ, जिसका तात्पर्य ऋतु से है। और परंपरागत रूप से मानसून का संबंध मौसमी हवाओं से भी है, जिसके माध्यम से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में वर्षा होती है। भारत में कुल वर्षा का लगभग 92% दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। भारत में इसकी सक्रियता जून से सितंबर तक रहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है और भारतीय कृषि का अधिकांश भाग भी इसी मानसून पर निर्भर है। मतलब मानसून पर ही निर्भर है भारत का अधिकांश कृषि भाग। अतः मानसून का समय पर आना कृषि के लिए अच्छा माना जाता है, वरना सूखा भी पड़ सकता है। भारत एक उपोष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है, ठीक है। तो ये हमने जलवायु में मानसून नामक टॉपिक शुरू किया है। अगले वीडियो में इसी से शुरुआत करेंगे और चलेंगे आगे तक जितने भी हमारे टॉपिक हैं। तो देखिए, हर वीडियो आपके लिए यहाँ पे उपयोगी है, आप इन्हें देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपको ये नोट्स
पढ़ने हैं तो फ्री में पढ़ सकते हैं आप, उन्हें उस लिंक को शेयर भी कर सकते हैं जो दिया हुआ हमारे डिस्क्रिप्शन पर। जाइए हमारी वेबसाइट www.studyforcivilservices.com पर। साथ ही आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पर, जहां पे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन साथ में जो भी आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिलेगा वो वहाँ पर ज़रूर उपलब्ध करवाया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।